हेलो स्टूडेंट्स आज के अपने इस वीडियो में हम रिकरेंट सलेक्शन फ़ॉर जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक कम्बाइनिंग एबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं तो एक अपनी पुरानी वीडियो में हमने सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन डिस्कस किया था अब हम प्रोसीजर डिस्कस करेंगे जब हम जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी या स्पेसिफिक कम्बाइनिंग एबिलिटी के लिए सिलेक्शन करते हैं तो रिकरेंट सेलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है तो बेसिकली जब हम रिकरेंट सलेक्शन करते हैं जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी के लिए तब हमारा जो प्रोजनी होती है उसको हम कैसे बनाते हैं हम जो हमारी बेस पॉपुलेशन है उससे प्लांट सेलेक्ट करते हैं और उनको क्रॉस करते हैं एक टेस्टर के साथ में मतलब जितने भी हम प्लांट सेलेक्ट करेंगे बेस पॉपुलेशन से उनको हम क्या करेंगे उनको क्रॉस करेंगे टेस्टर से टेस्टर विद ब्रॉड जेनेटिक बेस मतलब एक ब्रॉड जेनेटिक बेस वाले टेस्टर के साथ में हम जो भी हमारे प्लांट्स प्लान्ट जितने हमने प्लांट सेलेक्ट किए उनको क्रॉस करेंगे और जो क्रॉस्ड प्रोजेनी होगी हम उसी को यूज़ करेंगे रिकरेंट सिलेक्शन के लिए जो प्रोजेनी टेस्टिंग होगी उसके लिए तो बेसिकली जो ब्रॉड जेनेटिक बेस्ड टेस्टर होता है जैसे ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी हम इसमें यूज़ करते हैं एज अ टेस्टर बिकॉज जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होती है जो नॉर्मल क्रॉस पॉलीनेशन जिनमें होता है उनका जो जेनेटिक बेस होता है वो ब्रॉड होता है ठीक है और जो सिंथेटिक वराइटीज़ होती हैं उनको भी हम एज अ टेस्टर यूज़ कर सकते हैं बिकॉज जब हम सिंथेटिक वरायटी डेवलप करते हैं तो हम क्या करते हैं अ नंबर ऑफ प्लांट्स हम एज अ पेरेंटल वरायटी हम उसमें यूज़ करते हैं क्रॉसिंग के लिए तो हम उन उन दोनों को हम इनका जो जिन जिन भी प्लांट्स का जो वेराइटी है उनका ब्रॉड जेनेटिक बेस है उसको एज अ टेस्टर हम यूज़ कर सकते हैं अपने रिकरेंट सिलेक्शन में जब हम उसको जनरल कम्बाइनिंगबिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली जो हमारी प्रोजनी बनेगी जो हमारी बेस पॉपुलेशन है उससे हम प्लांट सेलेक्ट करेंगे और उनको हम क्रॉस करेंगे अपने जो भी हमारा ब्रॉड जेनेटिक बेस वाला टेस्टर है मान लो हमने प्लांट सेलेक्ट किए वन टू थ्री फोर उन सबको हम टेस्टर से ब्रॉड जेनेटिक बेस वाले टेस्टर के साथ में क्रॉस कराएंगे और यहाँ से जो भी प्रोजनी आएगी जो प्रोजेनी प्लांट्स हमें मिलेंगे उन सबको हम क्या करेंगे उनकी प्रोजेनी टेस्टिंग करेंगे नेक्स्ट जेनरेशन में टेस्टर बेसिकली क्या होता है टेस्टर इज अ कॉमन पेरेंट मेटेड टू अ नंबर ऑफ प्लांट्स ओके एंड दीज़ क्रॉसेज आर यूजड फॉर एस्टिमेशन ऑफ कम्बाइनिंग एबिलिटी ऑफ दोज प्लांट्स मतलब कि जो हमने प्लांट्स सेलेक्ट किए सपोज हमने ये हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने प्लांट सेलेक्ट कर लिए इनको हमने टेस्टर एक कॉमन टेस्टर के साथ क्रॉस कराना है और इनकी जो प्रोजेनी है उसको क्या करना है नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ पर कुछ प्लांट्स मिलेंगे इनका जो क्रॉस है उसकी जो प्रोजेनी मिलेगी ये सब जो है हमारे इनको इन प्लांट्स की कंबाइनिंग एबिलिटी को असेस करने के लिए हम इस प्रोजेनी को टेस्ट करेंगे ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी सो बेसिकली इट इज़ बिलीव दैट द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट इनटू टेस्टर प्रोजेनीज वुड बी प्राइमेरली ड्यू टू द जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ द प्लांट्स सिंस द टेस्टर इज कॉमन टू ऑल सच प्रोजेनीज मतलब ये है कि जैसे हमने ये अपने जो प्लांट्स हैं उनको हमने टेस्टर के साथ कॉमन टेस्टर के साथ क्रॉस करा दिया मतलब टेस्टर तो कॉमन है तो इनकी जो भी प्रोजेनी होगी उसमें जो भी डिफरेंस आएगा उनके करेक्टरिस्टिक्स में जो भी डिफरेंस होगा वो किसकी वजह से होगा वो लाइन के जीनोटाइप की वजह से होगा मतलब यहाँ पे जितने भी प्लांट्स होंगे उन सब में ये तो हम यहाँ से जीन आएंगे और लाइन वन से जीन आएंगे अब यहाँ पे जितने प्लांट्स हैं उनमें ये जीन तो कॉमन रहने वाले हैं ना फिफ्टी परसेंट जीन कॉमन रहेंगे और जो फिफ्टी परसेंट यहाँ से जीन आएंगे यहाँ प्रोजेनी में उन्हीं की वजह से इनकी प्रोजेनी में डिफरेंस आएगा बिकॉज टेस्टर तो कॉमन है उसका जीनोटाइप तो कॉमन है यहाँ से तो सेम ही जीन आपके ट्रांसफर हो रहे हैं इस प्रोजेनी के अंदर बट जो भी प्रोजेनी के बीच में आपस में डिफरेंस होगा वो किसकी वजह से होगा वो ये जो लाइंस है वन टू थ्री फोर्स इनके डिफरेंसेस की वजह से होगा बिकॉज टेस्टर हमारा कॉमन है ठीक है देरफोर इट इज़ अज्यूम्ड दैट द प्लांट्स सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर परफॉर्मेंस ऑफ देयर प्लांट इंटू टेस्टर प्रोजेनिज वुड हैव सुपीरियर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी तो ऐसा माना जाता है कि सपोज हमने क्या किया हमने अपने जो प्लांट्स है उनको टेस्टर के साथ क्रॉस करा दिया अब जो भी हमारी प्रोजेनी अच्छा परफॉर्म कर रही है सपोज ये प्रोजेनी है इट इज़ सुपीरियर अगेन दिस प्रोजनी इज़ सुपीरियर एंड दिस प्रोजेन इज़ नॉट सुपीरियर इट इज़ शोइंग सम इन्फीरियर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ईल्ड और इन टर्म्स ऑफ एनी अदर कैरेक्टर ओके तो बेसिकली जो भी प्रोजनी अच्छा परफॉर्म कर रही है अगर इसकी परफॉर्मेंस इसकी गुड परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम इस प्लांट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये जो प्लांट है इसकी क्या है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छी है ठीक है तो इसके बेसिस पे हम असेस करते हैं और फर्दर सिलेक्शन करते हैं रिकरेंट सिलेक्शन फ़ॉर स्पेसिफिक एबिलिटी सॉरी जो रिकरेंट सिलेक्शन होता है जनरल एबिलिटी के लिए बेसिकली ये सबसे पहले किसने सजेस्ट किया ये जेनकिंस ने सजेस्ट किया 1935 में और जो अर्ली टेस्टिंग है इन्होंने बोला कि ये जो जनरल कम्बाइनि रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल एबिलिटी है इट इट वॉज सजेस्टेड एज अर्ली टेस्टिंग ओके बाई जनकिस इन नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव तो अर्ली टेस्टिंग क्या है हमारी बेसिकली अर्ली टेस्टिंग इज द टेस्टिंग ऑफ इनब्रीड्स फॉर कंबाइनिंग एबिलिटी इन द अर्ली स्टेजिज ऑफ इनब्रीडिंग मीन्स जो पहली या दूसरी सेल्फ जनरेशन होती हैं हमने जब सेल्फिंग करते सपोज हमारे पास दो प्लांट हैं कैपिटल स्मॉल है कैपिटल स्मॉल है हमने ये इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया फॉर एग्जांपल तो हमारे प्लांट बनेंगे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए अगेन हम इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे फिर इसमें सेग्रीगेशन होगा तो जो पहली ये हमारी एफ़ टू है इसके बाद एफ़ थ्री जनरेशन बनेगी तो इन जनरेशन्स में ही अगर हम क्या कर रहे हैं प्लांट की जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी को टेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम अर्ली टेस्टिंग बोलते हैं और बेसिकली रिकरेंट सलेक्शन में हम यही करते हैं कि अर्ली जनरेशन में हम प्लांट की जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी और स्पेसिफिक कम्बाइनिंग एबिलिटी को टेस्ट करते हैं नाइनटीन में जेनकिस ने प्रपोज़ की एक पूरी स्कीम जिसको हम क्या कहते हैं रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी मतलब एक पूरा प्रोसीजर आपका क्या किया इन्होंने बताया कि कैसे हम सिंथेटिक वेराइटीज़ हम डेवलप कर सकते हैं शॉर्ट टर्म्स इनब्रिड से ओके okay? और इस स्कीम को हम क्या बोलते हैं रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जी सी ए और रिकरेंट सिलेक्शन एस सी ए के लिए किसने प्रपोज़ किया हल ने प्रपोज़ किया नाइनटीन हंड्रेड एंड फोटी फ़ाइव में तो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए जो रिकरेंट सिलेक्शन है वो जैनकिंस ने नाइनटीन हंड्रेड एंड थर्टी फ़ाइव में प्रपोज़ किया जबकि जो रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफ़िक कंबाइनिंग एबिलिटी है वो हल ने नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टी फ़ाइव में प्रपोज़ किया और जो ऑब्जेक्टिव था रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी वो आपका क्या था कि हमें इनब्रिड्स आइसोलेट करने हैं एक बड़ी पॉपुलेशन से इनब्रिड लाइंस जो होती हैं हमारी जब हम हाइब्रिड डेवलप करते हैं तो उसके जो पेरेंट होते हैं उनको हम इनब्रिड बोलते हैं ठीक है मतलब जब भी क्रॉस पॉलीटेड क्रॉप है जैसे मेज है फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर हमें हाइब्रिड डेवलप करना होता है तो पहले हम इनब्रिड लाइन्स डेवलप करते हैं इनब्रिड्स आई एन बी आर ई डी इनब्रिड्स हम लाइन डेवलप करते हैं जिनको हम क्रॉस करवाते हैं और हम क्या बनाते हैं अपना एफ वन हाइब्रिड बनाते हैं तो बेसिकली ये जो हमारे इनब्रिड्स लाइन है इनको आइसोलेट करने के एक स्कीम है जो रिकरेंट सेलेक्शन है हमारा स्पेसिफिक कम्बाइनिंग एबिलिटी के लिए तो बेसिकली ये एज्यूम किया जाता है कि जो लार्ज पार्ट ऑफ एट्रोसिस है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ नॉन एडिटिव जीन एक्शन मीन्स डोमिनंस एंड एपिस्टेटिक का ये रिजल्ट होता है और इसी वजह से ये क्या है स्पेसिफिक जीन कॉम्बिनेशंस पे डिपेंड करता है और जिसको हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी बोलते हैं जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी बेसिकली क्या होती है किसी भी लाइन की सपोज़ एक इनब्रिड लाइन है उसकी हमारी जो अलग अलग लाइंस हैं इन सपोज इनब्रिड टू के साथ इनब्रिड वन क्रॉस विद इनब्रिड थ्री लाइन इनब्रिड वन अगर क्रॉस विद इनब्रिड फोर लाइन एंड सो ऑन तो बेसिकली अगर ये सभी के साथ अच्छा परफॉर्म कर रही है जो इनब्रिड लाइन है दैट मीन्स इसकी जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी अच्छी है ओके okay? मतलब इट हैज़ गुड जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी वहीं पर अगर हम कहें कि जो इनब्रिड वन है ये स्पेसिफिकली जब हम इसको इनब्रिड थ्री के साथ क्रॉस कराते हैं तो इसकी जो जनरेशन है इसका जो एफ वन है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है जब हम इसको इनब्रिड टू के साथ क्रॉस कराते हैं तो इसका जो एफ वन बनेगा वो उतना सुपीरियर नहीं होगा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी इनब्रिड फोर के साथ भी क्रॉस करने पे उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी तब हम कह सकते हैं कि जो इनब्रिड वन है ये इनब्रिड थ्री के साथ स्पेसिफिकली कम्बाइन हो रहा है यानी उसकी स्पेसिफिक कम्बाइनिंग एबिलिटी है इनब्रिड टू के साथ में या इनब्रिड थ्री जिसके साथ में भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इस बेसिस पे हम ये जो स्पेसिफिक जीन कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है कि जब सपोज हमने इनब्रिड वन को क्रॉस कराया इनब्रिड थ्री के साथ में तो इसने बहुत अच्छा एफ़ वन बना ये हमारा यानी ये जो इनब्रिड वन के जीन है वो इनब्रिड थ्री के साथ में इनब्रिड थ्री के जो जीन है उनके साथ में बहुत अच्छे से कम्बाइन हो रहे हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एक साथ जिसकी वजह से जो एफ वन हाईब्रिड बना है उसमें बहुत वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है ठीक है इन टर्म्स ऑफ ईल्ड हो सकता है या इन टर्म्स ऑफ एनी अदर कैरेक्टर वो हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि इनब्रिड वन स्पेसिफिकली कंबाइनिंग वेरी वेल विद इनब्रिड थ्री जिसकी वजह से उनका जो एफ वन है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी जो प्रोजेनी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ठीक है और इनका जो प्रोसीजर होता है जो रिकरेंट सिलेक्शन है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए प्रोसीज़र सिमिलर ही होता है इनका ठीक है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्रोसीजर में ये इनका जो प्रोसीजर है जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी के लिए और स्पेसिफिक कम्बाइनिंग एबिलिटी के लिए ठीक है अब हम देख लेते एक बार प्रोसीजर को जो सबसे पहले हमने क्या बोला पहले साल में आपको क्या करना है एक ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी फर्स्ट ईयर में जो जेनेटिकली डाइवर्स पॉपुलेशन होगी वहाँ वहाँ वो प्ला उसको आपको फील्ड में प्लांट कर देना है और उस ओरिजिनल पॉपुलेशन से आपको फिनेटोपिकली सुपीरियर प्लांट्स आपको सेलेक्ट करने हैं जो भी प्लांट आपको लगते हैं कि ये प्लांट्स सुपीरियर हैं फिनोटिपिकली दिखने में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन प्लांट्स को आप सेलेक्ट कर लोगे उन प्लांट्स में आपको सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है ठीक है आपने प्लांट सेलेक्ट कर लिए उनमें आपने सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया अब उनको टेस्ट क्रॉस कराना है एज अ मेल टू अ नंबर ऑफ रेंडमली सिलेक्टेड प्लांट फ्रॉम अ टेस्टर विद अ ब्रॉड जेनेटिक बेस मतलब आपने क्या करना है पहले साल में आपने ओरिजिनल पॉपुलेशन को भी अपने फील्ड पे लगा देना है स्पेस प्लांटिंग के साथ में और कोई भी जो टेस्टर है ब्रॉड जेनेटिक बेस वाला टेस्टर जैसे हमने ऊपर बताया अभी वीडियो में फॉर एग्जांपल ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी जो जिनमें नॉर्मल क्रॉस पॉलीनेशन होता है जिन वेराइटीज़ में उसको भी हम एज अ टेस्टर ले सकते हैं बस टेस्टर की एक ही रिक्वायरमेंट है कि उसका जो जेनेटिक बेस है वो ब्रॉड होना चाहिए ठीक है आपने दोनों को फील्ड पे अलग अलग प्लांट कर दिया है अब आपने क्या किया ओरिजिनल पॉपुलेशन है जो आपकी वहाँ से जो भी आपको लगे फिनोटिपिकली सुपीरियर प्लांट्स आपने उनको सेलेक्ट कर लिया और उनमें सेल्फ़ पॉलीनेशन होने दिया ठीक है आपने उनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया और उन सेल्फ पॉलीनेटेड जो सीड है वहाँ से सपोज ये प्लांट आपने सेलेक्ट किया था इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो गया इसमें कुछ सीड बन गया उसको आपने हार्वेस्ट कर लिया दूसरे प्लांट से भी सेम तीसरे चौथे जितने भी प्लांट आपने सेलेक्ट किए हैं उन सब प्लांट का सीड आपने अलग अलग हार्वेस्ट करना है आफ्टर सेल्फ़ पॉलिनेशन। अब जो भी आपने जो सेल्फ़ पॉलिनेटेड सीड है उसको आपने क्या करना है जब आपका जो थर्ड ईयर होगा वहाँ उसमें आपने उसका इंटर क्रॉस ब्लॉक लगाना है मतलब जो पहले प्लांट का जो सीड था आपने उसको एक लाइन में लगा देना है जो भी दूसरा सेलेक्टेड प्लांट था उसका सीड दूसरी लाइन में तीसरे सेलेक्टेड प्लांट का सीड तीसरी लाइन में चौथा जो सेलेक्टेड प्लांट है उसका जो सेल्फ पॉलीनेटेड सीड है चौथे लाइन में ऐसे करके आपने ऐसे लाइन बाय लाइन उस सीड को प्लांट करना है थर्ड ईयर में तो फर्स्ट ईयर में तो आपने सेल्फ पॉलीनेशन किया आपने फील्ड पे ओरिजिनल पॉपुलेशन लगाई वहाँ पे प्लांट सेलेक्ट किए और उनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया अब जो भी सीड आएगा उसको आपने अपने पास स्टोर कर लेना है अलग अलग हार्वेस्ट करके इधर आपने जो फर्स्ट ईयर में ही आपने जो टेस्टर है उसको फील्ड पे प्लांट कर दिया है अब जो टेस्टर हैं आपके उनको क्या करना है आपने आ, जो इसको आपने फील्ड पर प्लांट कर दिया है अब इस जो भी टेस्ट जो सीड है जो यहाँ से आपने सेलेक्ट किया था जो प्लांट सेलेक्ट किए थे उनका जो आपका उनको आपने टेस्टर के साथ भी क्रॉस कराना है ठीक है टेस्ट क्रॉस कराना है एज मेल टू अ नंबर ऑफ रेंडमली सेलेक्टेड प्लांट्स फ्रॉम अ टेस्टर विद अ ब्रॉड जेनेटिक बेस ठीक है यहाँ से आपने सपोज प्लांट सेलेक्ट किया था उसको आपने सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद उसका सीड भी हार्वेस्ट कर लिया और उसी को आपने एज अ मेल भी यूज़ किया मतलब उसका जो पोलन था उस पर्टिकुलर प्लांट का पोलन था यहाँ पे जो प्लांट आपने सेलेक्ट किया इसके ऊपर पॉलिनेट करके यहाँ पे आपने उसको टेस्ट क्रॉस भी करना है ठीक है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझ लीजिए पहले साल में आपने टेस्टर को भी फील्ड पर लगा दिया है ओरिजिनल पॉपुलेशन को भी फील्ड पे लगा दिया है ओरिजिनल पॉपुलेशन से आपने क्या करने हैं कुछ प्लांट सेलेक्ट करने हैं जो सुपीरियर हो सपोज ये प्लांट सुपीरियर था इसको आपने सेलेक्ट कर लिया इसमें आपने सेल्फ पोलिनेशन करवाया और जो सीड बना उसको आपने अलग से हार्वेस्ट कर लिया अब इसी प्लांट का पोलन आपने लेके यहाँ एक प्लांट पे पोलिनेट कर दिया और ठीक है और इस प्लांट से भी आपने ये आपका टेस्ट क्रॉस हो गया बेसिकली क्योंकि ये आपका इसको एज अ टेस्टर यूज कर रहे हो इस पॉपुलेशन को ठीक है अब ये जो क्रॉस किया है सीड इसको आपने हार्वेस्ट करके सेकेंड ईयर में इसका रेप्लीकेटेड ईल्ड ट्रायल लगाना है ठीक है जो टेस्ट क्रॉस सीड है एंड सेल्फ सीड फ्रॉम ईच सिलेक्टेड प्लांट हार्वेस्टेड सेपरेटली तो यहाँ पे जो आपने सेल्फिंग करवाई थी जो सीड बना था उसको अलग से हार्वेस्ट करना है यहाँ पे जो आपने टेस्ट क्रॉसिंग की है उसको सीड को आपने अलग से हार्वेस्ट करना है ठीक है अब सेकेंड ईयर में क्या होगा रेप्लीकेटेड ईल्ड ट्रायल कंडक्टेड यूजिंग टेस्ट क्रॉस सीड अब यहाँ पे आपने क्या किया था यहाँ से प्लांट सेलेक्ट किए थे आपने ठीक है यहाँ से जो प्लांट सेलेक्ट किया है उसका जो सीड है उसका जो पोलन है उससे इसको पोलिनेट करवाया टेस्ट क्रॉसिंग की आपने और यहाँ से जो सीड आपको मिला था वो हार्वेस्ट कर लिया अब उसका रेप्लीकेटेड ईल्ड ट्रायल आपने ऐसे लाइन में लगाना है ठीक है so, जितने भी प्लांट आपने यहाँ सेलेक्ट किए थे उन सब के सीड को आपने हार्वेस्ट करना है और उसका सेकेंड ईयर में रेप्लिकेटेड ईल ट्रायल लगाना है और यहाँ से सुपीरियर प्रोजीनीस को आइडेंटिफाई करना है यहाँ से सपोज ये पहला प्लांट था इसको आपने एक नंबर दे दिया ठीक है ये दूसरा प्लांट सेलेक्ट किया था दूसरा नंबर दे दिया उसको तीसरा प्लांट इसको इसके पैकेट को तीसरा नंबर दे दिया इसका जो हार्वेस्टेड सीड है अब यहाँ पे आपने प्लांट सेलेक्ट किए थे टेस्टर से ठीक है अब जो पहला ये जो प्लांट था इस पर आपने पोलिनेट करवाया पहले वाले जो प्लांट है उसके उसके पोलन से तो ठीक है इसको सपोज़ वन डैश हम कह देते हैं ये टेस्ट क्रॉस है ये सेल्फ प्रोजेनी है इधर वाली सेल्फ है और ये हमारा टेस्ट क्रॉसिंग है यहाँ पे ये हमारा इसको पोलिनेट करवाया इस प्लांट के सीड से पोलन से तो ये टू डैश कर दिया सपोज ये तीसरा प्लांट इससे पोलिनेट करवाया इसको थ्री डैश अब इनको आपने अलग अलग हार्वेस्ट करना है और इनका आपको रेप्लिकेटेड रेप्लीकेटड ट्रायल लगाना है सपोज़ ये पहली लाइन है इसके रेप्लिकेशन तीन बार इसको रेप, तीन रेप्लिकेशन में लगा दिया जो दूसरी लाइन का सीड था उसको दो ऐसे करके रेप्लिकेशन तीन रेप्लिकेशन लगा दिए उसके भी और तीसरी लाइन का जो सीड था उसको भी ऐसे ही आपने तीन रेप्लिकेशन में लगा दिया ठीक है अब यहाँ से जो आपकी सुपीरियर प्रोजेनीज है वो आइडेंटिफाई करनी है सपोज दो तो दूसरे प्लांट की प्रोजेनी है वो सुपीरियर है आप उसको सेलेक्ट कर लोगे और थर्ड नंबर की सुपीरियर नहीं है उसको रिजेक्ट कर दोगे ठीक है अब आपने आइडेंटिफाई कर ली है सुपीरियर प्रोजेनी अब इसी प्रोजेनी का ये जो टेस्ट क्रॉस अगर ये मान लो टेस्ट क्रॉस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ये दूसरे नंबर की जो प्रोजेनी है दैट मीन्स यहाँ पे जो दूसरे नंबर की सेल्फ प्रोजेनी थी उसको आप अगले साल यहाँ प्लांट करोगे पहले सीड की जो इसने भी अच्छा परफॉर्म कर रही है ये भी जो पहले पहले जो प्लांट से क्रॉसिंग करवाई थी उसका जो सेल्फ सीड यहाँ पे बनाया है आपने उसको भी आप प्लांट करोगे थर्ड ईयर में क्रॉसिंग ब्लॉक में बट जो तीसरे नंबर का जो प्लांट था उसकी जो इंटर क्रॉसिंग आपने यहाँ पे करवाई थी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसकी जो सेल्फड प्रोजेनी है उसको भी आप रिजेक्ट कर दोगे अब उसको यहाँ पे प्लांट नहीं करोगे तो इसमें हम यही कह रहे हैं कि जो सेल्फ्ड सीड है सेल्फ्ड सीड फ्रॉम द प्लांट प्रोड्यूसिंग सुपीरियर टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी प्लांटेड इन अ क्रॉसिंग ब्लॉक तो बेसिकली जो क्रॉसिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी सेल्फ्ड प्रोजेनी को हम अगले जनरेशन में प्लांट करेंगे फील्ड पे जो क्रॉसिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जो प्लांट उसकी सेल्फ प्रोजेनी को भी हम अगली जनरेशन में प्लांट नहीं करेंगे उसको रिजेक्ट कर देंगे तभी तो हमने यहाँ पे टेस्ट क्रॉसिंग की है कि जो टेस्ट क्रॉसिंग में टेस्टर के साथ अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी सेल्फ प्रोजेनी को हम आगे प्लांट कर देंगे ठीक है ऑल पेसिबल इंटर क्रॉस विल बी मेड हियर मतलब कि यहाँ पे जितनी भी लाइनें आपने लगाई हैं अब उनके बीच में आपस में इंटर क्रॉसिंग करेंगे सपोज यहाँ पे आपने चार लाइनें लगाई अब आप इनकी आपस में इंटर क्रॉसिंग करनी है लाइन वन क्रॉस विद लाइन टू इसको हम लाइन थ्री के साथ भी क्रॉस करेंगे लाइन फोर के साथ भी क्रॉस करेंगे दूसरे नंबर की लाइन को पहले नंबर की लाइन से भी क्रॉस करेंगे तीसरे नंबर की लाइन से भी क्रॉस करेंगे चौथे नंबर की लाइन से भी क्रॉस करेंगे वहीं जो तीसरे नंबर की लाइन है उसको पहली से भी करेंगे दूसरी से भी करेंगे और इसको चौथे नंबर की लाइन से भी क्रॉस करेंगे ठीक है ऐसे करके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हम उनकी इंटर इंटर क्रॉसिंग कर देंगे तभी इसको क्या बोला है इंटर क्रॉसिंग ब्लॉक एंड इक्वल अमाउंट ऑफ सीड फ्रॉम ऑल द इंटर कंपोजिट अब जितने भी इंटर क्रॉस बने हैं क्रॉस विद टू क्रॉस विद थ्री क्रॉस विद फोर सेकेंड लाइन क्रॉस विद वन क्रॉस विद थ्री क्रॉस विद फोर है ना थर्ड लाइन क्रॉस विद वन थर्ड लाइन क्रॉस विद टू एंड थर्ड लाइन क्रॉस विथ फोर इन सब का जो भी सीड आएगा है ना यहाँ से हर किसी का एफ वन सीड आएगा आपके पास उसमें से इक्वल इक्वल अमाउंट जो है अपना सीड का लेना है और उसको आपको क्या कर देना है एक जगह मिक्स कर देना है बल्क कर देना है जिसको क्या बोलते हैं कम्पोजिट करना सब जगह से इक्वल अमाउंट में सीड आप मिक्स कर दोगे और उसको एक जगह कम्पोजिट कर दोगे ठीक है ये जो क्रॉस सीड है उसको कंपोजिट कर देंगे अब जो कंपोजिट सीड यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा एक ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा अब आपने जो क्रॉसड सीड है उसको फिर से आप कम कंपोजिट सीड जो है आपका उसको एज अ ओरिजिनल पॉपुलेशन आप यूज़ कर सकते हो फर्दर सेलेक्शन साइकिल के लिए मतलब ये जितना भी आपने अभी तक काम किया है इसको आप दोबारा से यहाँ फर्स्ट रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल में आप उसको क्या कर लोगे फिर से रिपीट कर दोगे और फिर से आप इंटर क्रॉसिंग ब्लॉक लगाओगे फिर से ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में इंटर क्रॉस बनाओगे अब अगर आपको लगता है कि ये हमारी जो कंपोजिट पॉपुलेशन है यहाँ से वो आपकी सुपीरियर बन गई है इम्प्रूव हो गई है तब आप उसको क्या कर सकते हो उसको फर्दर आपको फिर से ये सिलेक्शन साइकिल रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन आपको मिली है लास्ट में वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है तो फिर से आप ये जो कंप्लीट सिलेक्शन साइकल है एक बार फिर से इसको रि, रिपीट कर सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं ठीक है तो बेसिकली ये आपका क्या हो गया रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी तो बेसिकली जब हम स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं इस सिलेक्शन साइकिल को तो टेस्टर में हम क्या करते हैं इनब्रिड लाइन को एज अ टेस्टर यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी जब हम जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए कर रहे हैं तो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए क्या है हमारा जो टेस्टर है हमारा वो क्या है ओपन पॉलिनेटेड वैराइटी है जिसका जेनेटिक बेस क्या है ब्रॉड होता है जैसे ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी हो गई हमने बोला सिंथेटिक वेराइटी हो गई है ना लेकिन जब हम हम क्या करते हैं पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा जनरल ये जो हमारा रिकरेंट सिलेक्शन होता है स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी के लिए बट जो टेस्टर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे इनब्रिड लाइन को हम यूज़ करते हैं ठीक है एज अ टेस्टर हम क्या करेंगे जो इनब्रिड लाइन है उसको एज अ टेस्टर यूज़ करेंगे बाकी पूरी स्कीम हमारी सेम रहेगी सिलेक्शन हमारा सेम रहेगा हमें ओरिजिनल पॉपुलेशन में सेलेक्शन सेम करना है हमें सेल्फ पॉलिनेशन भी करवाना है और फर्दर टेस्ट क्रॉसिंग भी करनी है विद टेस्टर ठीक है बट टेस्टर का क्या है यहाँ पे ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी थी और यहाँ पे हम जो है सॉरी जब हम इसको स्पेसिफिक कम्बाइनिंग एबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे तब हम एज अ टेस्टर क्या यूज़ करेंगे तब हम एज अ टेस्टर हमारा इनब्रिड लाइन को यूज़ कर लेंगे ठीक है तो ये प्रोसीजर है आपका रिकरेंट सेलेक्शन फॉर जनरल कम्बाइनिंग एबिलिटी एंड स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी और बेसिकली ये हमारा क्या है एक पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट का मेथड है सो थैंक यू सो मच